से अवगत कराया जाएगा। खरगोन जिले के ग्राम उपदी, नंदगांव बगुद और इच्छापुर के ग्रामीण इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पेयजल की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि उपदी, नंदगांव बगुद और इच्छापुर में पीने के पानी का जल संकट गहराता जा रहा है, जहां रहवासियों के लिए पीने का पानी नहीं मिल रहा है, ऐसे में मवेशियों को भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नर्मदा उद्वहन BR3 पिपरी तालाब में पर्याप्त मात्रा में जल है, जबकि ग्राम इच्छापुर के तालाब में पानी छोड़ने के लिए NVDA विभाग लापरवाही बरत रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि पिपरी तालाब का पानी इच्छापुर तालाब में जल्द छोड़ा जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पीने और मवेशियों के लिए पानी की गंभीर संकट है और पास में जो तालाब है BR3 उद्वहन का अपने पिपरी में, वहाँ से पानी छुड़वाने के लिए आए। पानी है क्या पर्याप्त? उस तालाब में पर्याप्त मात्रा में पानी है और उस तालाब से जो दूसरे दो चार गांव के जो छोटे तालाब है उनमें पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लगातार NVDA को 2-3 बार लगातार उनको बताया, उसके बाद भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। बहुत गंभीर संकट है पानी का। पशुओं को 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी छोटी होज बनी है उसमें ले जाना पड़ रहा है। गाँव में पीने की बहुत गंभीर समस्या है, पीने के पानी के लिए बहुत परेशान है। ऊपर से इतना टेम्परेचर है, अब किसान खेती करेगा या पीने के लिए पशुओं को दिन भर इधर उधर पानी के लिए घुमाएगा और अपने घर पीने के लिए पानी व्यवस्था करेगा, जबकि पिपरी के तालाब में पर्याप्त मात्रा में पानी है। वहाँ से वाल भी लगा हुआ है उस तालाब में छोड़ने के लिए, सिर्फ वाल को खोलना है। और ये जो 3-4 गाँवों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहे NVDA ऑफिस, पानी नहीं छोड़ रहे, बाकी जो दूसरे 2-3 तालाबों में वहाँ पानी छोड़ रहा है। अब ये तो NVDA ही बताए किस कारण से हो रहा है, हमने बार बार उनको अवगत कराया, पानी नहीं दे रहे। अब क्या उनको दिक्कत है इन 3-4 गांवों से? इसमें राजनीति लगती है क्या? हो सकता है, हो रही है, वो तो अब NVDA ही बताएगा कि क्या है। लेकिन आगामी 3 दिनों में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो हम मवेशी और महिला और सारे गाँव के ग्रामीण सारे लोग आके यहीं बैठेंगे कलेक्टर।